खौफ वो जो सर चढ़ कर बोले तरीके लब्बे का इतना खौफ। हुकूमत ने लॉन्ग मार्च से पहले सारे रास्तों को बंद कर दिया कंटेनर से लगा के। इस टाइम ये रावी पुराना और ये नयाब ये दोनों ब्रिजेस को कम्प्लीटली सील कर दिया गया है। पब्लिक को इंतहाई मुश्किल का सामना। अगर कोई जमात लॉन्ग मार्च करती है, पर अमन लॉन्ग मार्च की कॉल है, तो मेरा ख्याल है कि उसे लॉन्ग मार्च की परमिशन देनी चाहिए। जैसा कि इमरान खान साहब खुद ये फरमाते रहे हैं कि पुरअमन एहतजाज हर एक आईनी हक है, तो अगर ये हक नहीं दिया जाएगा किसी जमात को तो डेफिनेटली ये ज्यादती होगी। तो आज इन रास्तों को लब्बैक वालों ने नहीं बल्कि गवर्नमेंट ने, हुकूमत ने, पुलिस ने बंद किया है। तो मैं पुलिस से ये पूछता हूं कि उन लोगों से, यूथियों से और उन लोगों से स्पेशली जो कहते हैं कि रोड बंद करना इस्लाम में नहीं है, तो आज ये गवर्नमेंट ये जो कारनामा कर रही है, तो ये किस लिहाज से उन्होंने ये काम किया है? कम्प्लीटली बंद कर दिया गया है रोड को, लोग जलीलो ख्वार होके वापस जा रहे हैं। लानत ऐसी गवर्नमेंट पर, ऐसी हुकूमत और ऐसी पुलिस और पुलिस अहलकारों पर जो ये काम कर रहे हैं और जिन्होंने ये ऑर्डर्स दिए हैं कि आप पाकिस्तानी और पाकिस्तानी शहरियों को ही आप जलील रसवा कर रहे हैं। ये कंटेनर रखे हुए हैं और इनके अंदर रेत भरी हुई है। ये जो मनाजर आप इस टाइम देख रहे हैं, ये नया पुल लाहौर के रावी के पुल के ऊपर के मनाजिर हैं। ट्रैफिक को कम्प्लीटली बंद किया हुआ है। वक्तन वक्तन आपको इंशाल्लाह इससे आगाह जरूर करते रहेंगे। क्या एहतजाज करना या लॉन्ग मार्च आईनी हक नहीं है? इमरान खान साहब आप खुद ये कहते रहे हैं कि किसी हर एक का राइट बनता है कि वो अपने आईनी हक को इस्तेमाल करें, वो लॉन्ग मार्च कर सकते हैं। तो आज लॉन्ग मार्च की गई है, क्यों तकलीफ हो रही है, रास्तों को बंद कर दिया है? क्या नामोसे रसालत रैली से इतने खौफजदा हैं आप? क्या आप कादियानियों को जो सपोर्ट करते आए हैं, आपकी वो सपोर्ट जीरो हो जाएगी आज की कॉल से? ये आवाम वापस जा रही है, रास्ता बंद होने की वजह से वापस जा रही है।